अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर के दीवान अमीरी ने ऐलान कर दिया है ईद उल अज़हा की छुट्टियों का। तमाम जो सरकारी इदारे हैं, वजारतें हैं, महकमे हैं, उन तमाम में अगले पूरे हफ्ते छुट्टी होगी और तमाम जो मुलाजमीन हैं वो 23 तारीख को 23 जून को वापस काम पे आएंगे। ठीक है जी, यानी कि जुमेरात, ये जो जुमेरात है 13 तारीख की, इसको आखिरी दिन होगा। अगर आपको कोई सरकारी काम निपटाना है तो निपटा लीजिएगा और उसके बाद अगला पूरा हफ्ता छुट्टी और 23 जून इतवार को वापस आएंगे मुलाजमीन काम पर। जहां तक बात है प्राइवेट सेक्टर की, तो इसमें कतर के लेबर लॉ के मुताबिक तमाम वो कंपनियां जो कि लेबर लॉ के अंडर काम करती हैं उनमें 3 दिन की छुट्टी होगी ईद की, और इन 3 दिनों की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, इन 3 दिनों के पैसे देने होंगे। और अगर आपकी ड्यूटी ऐसी है, काम ऐसा है कि इन 3 दिनों में भी आपको काम करना पड़ता है, तो उन 3 दिनों के पैसों के अलावा ओवरटाइम के तौर पर पैसे आपको दिए जाएंगे। ये आपका हक है, कोई नहीं देता है, तो इसका मुतालबा आप कर सकते हैं कानून के मुताबिक। तो ईद की छुट्टियां बहुत बहुत